हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से चार आइडियाज, जो कि पुराने कपड़े के और छोटे छोटे कपड़ों के बचे हुए टुकड़े के हैं। तो देखिए, 3.5 इंच का ही हमारा पीस है चौड़ाई में, और लंबाई इसकी है 25 इंच की। अब देखिए, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, और इसको हम पहले इस तरीके से तिरछा सिलेंगे, और तिरछा सिलने के बाद में हमें इस तरीके से सिलना है सीधा, और यहाँ से थोड़ा सा पहले से ही हम इसको सिलाई को निकाल लेंगे। अब यहाँ से जो सिलाई निकाली हुई 1.5 इंच छोड़ते हुए वहाँ से इस तरीके से सिलना है। फिर से हमें दूसरी साइड से भी तिरछा निकाल देना है इस तरीके से। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा कोना, उसको हमें कट कर देना है। अब जो हमने 1.5 इंच में छोड़ा हुआ था, वहीं से हमें इस पार्ट को सीधा कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको सीधा कर दूंगी, और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा आइडिया बनके रेडी हो जाएगा। और बहुत ही प्यारे प्यारे चार आइडिया हैं इस वीडियो में पूरे। और गाइस, कौन सा आइडिया पसंद आया ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहले देखिए वीडियो को, फिर बताना। तो चलिए, इसको हमने देखिए इस तरीके से सीधा कर लिया। आप तो जैसे भी सीधा करना चाहो पेचकस वगैरह की सहायता से, वैसे आप कर सकते हो, पेंसिल भी ले सकते हो, पेंसिल की सहायता से भी सीधा हो जाएगा आराम से। तो ये देखिए, ये मैंने सीधा कर दिया है। अब जो ओपन पार्ट है 1.5 इंच का, जो हमने पार्ट छोड़ा हुआ था, उसको भी हम इस तरीके से पकड़ते हुए अंदर की साइड में कपड़े को करते हुए सीधा सिल देंगे। सिलने के बाद में ये हमारी बहुत ही प्यारी सी रबर बैंड बन के रेडी हो जाएगी। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल रबर बैंड लेनी है आपको प्लेन वाली। इस तरीके से जैसे भी आप इसे बांधना चाहो वैसे आप बांध सकते हो। आप इसे 2-3 तरीके से जैसे भी बांधोगे, उस तरीके से ये हमारी रबर बैंड की डिजाइन बन के रेडी हो जाएगी। ये आइडिया आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। तो चलिए, दूसरा आइडिया बताते हैं आप लोगों को। बहुत ही प्यारा सा लुक आता है अगर आप मार्केट से मंगाते हो ना, तो बहुत ही महंगी महंगी रबर बैंड आती हैं, तो कम से कम 10-15 रुपए की तो ये रबर बैंड आती ही आती है सिंपल तरीके से। तो आप 10 रुपए केवल छोटे से कपड़े से बचा सकते हो एक सिलाई लगा के। अब देखिए, दूसरा आइडिया है हमारा ये। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कपड़ा लो, कोई भी पुरानी शर्ट या पैंट का या फिर कोई भी टी शर्ट वगैरह हो, उसका भी कपड़ा ले सकते हैं। अब देखिए, इसको मैंने चार्लर फोल्ड करके रख लिया है, और इस तरीके से यहाँ से मैं निशान देखिए, मैंने ये 20x20 का ये पीस लिया है चार्लर फोल्ड करके स्क्वायर शेप में। तो वैसे ही 40x40 इंच का ये पीस है टोटल, इसको मैंने चार्लर किया। और फिर से मैंने एक और बार चार्लर कर लिया, मतलब कि 8 लर ये पीस हो गया आप टोटल। इस तरीके से यहाँ से हमें कोने से निशान लगाना है, जो बंद वाला पार्ट है वहाँ से 5.5 इंच का, 5.5 इंच का दूसरी साइड से निशान लगाना है। इस तरीके से निशान दोनों तरफ लगाते हुए, और यहाँ से हमें करीब 2.5 इंच का सा निशान लगाना है ये, और इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है। और सेम तरीके से दूसरी साइड में भी 2 इंच का सा निशान लगाना है, और इस तरीके से आपको कट कर देना। ऊपर से जो 5.5 इंच हमने निशान लगाया, थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे तक ही कट करना है इसे, क्योंकि सिलाई में भी चला जाएगा 1/2 इंच इसीलिए। अब देखिए, इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया, कुछ इस तरीके से शेप हो जाएगी आपका जो कपड़ा है उसकी। अब देखिए, इसको हमें चारों तरफ पहले आलपिन लगा देनी है, ताकि ये सेट रहे हम जब सिलाई लगाएंगे इसमें। तो केवल 2 सिलाई लगानी है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा रोटी कवर बनके रेडी हो जाएगा। तो मैं रोटी कवर बनाने वाली हूँ। तो देखिए, इसको इस तरीके से आपको कहीं से भी जो जॉइंट पार्ट हो वहाँ से छोड़ना है थोड़ा सा, और चारों तरफ आपको सिलाई लगा देनी है। तो अब मैं इसमें चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी, कहीं भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगी, केवल थोड़ा सा पार्ट छोड़ूंगी जिस जहाँ से कि हम इसको सीधा कर सकें। अब जैसे जैसे हमारा ये हिस्सा है, वैसे वैसे हमें इसमें चारों तरफ से सिलाई लगानी है, कहीं से भी उल्टी सीधी नहीं करनी है। तो देखिए, जैसे जैसे हमारे कोने हैं वैसे वैसे मैंने इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लग जाएगी। आलपिन को मैं साथ में निकालती जाऊंगी, जो आ रही है बीच में, और जो नहीं आ रही है वो बाद में निकाल दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको सिल दिया है चारों साइड से, जो आलपिन लगी हुई है उनको निकाल देना है। अब देखिए, जो कोने हैं चारों, वहाँ से हमें इस तरीके से कट्स लगा देने, नहीं तो ये सीधा नहीं हो पाएगा इसीलिए। तो सिलाई को नहीं कट करना है, लेकिन कपड़े को कट करना है सिलाई तक ही। अब देखिए, इस तरीके से हमें सीधा कर देना है। जो कोने हैं इसके कोनों को अच्छी तरीके से निकाल देना है, ताकि सेट हो जाए फिनिशिंग के साथ। और देखिए, इस तरीके से हमने सारे के सारे कोने अच्छी तरीके से इसके निकाल दिए। तो ये सारे के सारे इस तरीके से कोने निकालने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हमें सिल देना है। तो ये हमारा रोटी कवर बनके इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब आपको कोई भी छोटी सी स्ट्रिप लेनी है, यहाँ पे इसको बाहर की साइड में रखते हुए
यहाँ पर ही लगा देनी है। तो ये हैंगर के लिए हो जाएगा, हैंग करने के लिए, कहीं भी आप इसे हैंग करके सुखा सकते हो, क्योंकि हर वक्त तो रोटी कवर लगा नहीं रहेगा, एक धुलेगा एक लगाओगे। तो इस तरीके से आप दो बना के रख लीजिए, एक को लगा लीजिए और फिर एक को सुखा दीजिए धो के। तो इस तरीके से पूरी रोटी हमारी कवर हो जाती है, जितनी भी रोटी आपको रखनी हो इसमें ऊपर तक, तो बहुत सारी रोटियां इसमें आ जाएंगी। तो चलिए दूसरा आइडिया आप लोगों को बताते हैं, तीसरा और चौथा एक ही में ही है ये। तो इसमें से हम साइड मेथड बनाने वाले हैं दो चीज़ें, तो इस तरीके से हमारे ये चार आइडिया हो जाएंगे। तो देखिए मैंने पुरानी साइड ली है, इसके सारे के सारे बटन मैंने निकाल दिए अच्छी तरीके से, इसकी सिलाई मतलब ये फटे ना उस तरीके से। इसको मैंने इस तरीके से चार्लर फोल्ड किया, बच्चे की मैंने टॉप लिया है छोटा सा, और टॉप लेने के बाद में इसको मैं इस तरीके से यहाँ से रखूँगी और इसको कट कर दूँगी नीचे से। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे से छोड़ेंगे सिलाई वगैरह के लिए, ऊपर से देखिए हमने कट कर दिया शोल्डर से, और यहाँ से हम देखिए थोड़ा थोड़ा इंच साइड से छोड़ते हुए आधा इंच करीब, केवल सिलाई के लिए छोड़ना, ज़्यादा नहीं छोड़ना। गले का निशान लगाया, आर्मोल का निशान लगाया बराबर से, इस तरीके से इसको हमें कट कर देना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको बनाना। अब देखिए एक तरफ से तो ये बंद है, दूसरी तरफ से केवल हमें इसको बंद करना है, एक मतलब साइड फिटिंग एक तरफ से तो लगी हुई है। अब देखिए हमें नेकर कट करना है, इसमें से हमारा ऊपर का टॉप तो कट हो गया। अब हमने देखिए लिया बच्चे का नेकर, इस तरीके से फोल्ड करके रखा, अब इसको भी हम सेट करके रख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको रखूँगी और ये यहाँ से निशान लगाऊंगी, मैं आने वाला यहाँ से सीधा निशान लगाऊंगी, सीधा निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से भी इस तरीके से निशान लगाऊंगी और देखिए यहाँ से इस तरीके से शेप दे दूंगी। तो आपको ये चौड़ा लेना है क्योंकि इलास्टिक होती है इसीलिए। अब इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया, ऊपर से नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा था इसीलिए। अब इसके ऊपर के लिए हम नेफा के लिए अलग से कपड़ा लेंगे, और देखिए साइड से थोड़ा सा, तो देखिए इसके लिए मैंने इलास्टिक के लिए अलग से मैंने नेफा के लिए कपड़ा ले लिया क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो जाता है इसीलिए। तो ये हमारा नेकर भी कट हो चुका है। अब हम आर्मोल को पहले फोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा देंगे। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही सिंपल सिलाई लगा देनी है, आप अगर पाइपिंग लगाना चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो। शोल्डर को जॉइंट कर देना है, तो देखिए शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ मैं दोनों ही। अब फिर से मैं आर्म होल पर सिलाई लगा दूंगी, जो दूसरा वाला आर्म होल है उस पर फोल्ड करते हुए, और आर्म होल फोल्ड करने के बाद में फिर मैं गले को फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए हमारे आर्म होल हो गए, अब जो गला है उसको हम फोल्ड करते हुए पीछे की साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे में ये हमने सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से आर्म होल और गला हो गया रेडी। अब इसके हम साइड फिटिंग लगाते हैं नापते हुए। तो एक तरफ से तो ये बंद है, अब दूसरी तरफ ही केवल लगा रही हूँ, केवल एक साइड ही आएगी। तो देखिए इस तरीके से साइड फिटिंग इसकी लगा दी है। अब नीचे से हम हिस्से को फोल्ड कर देंगे, जो टॉप का नीचे का हिस्सा है उसको पूरे को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद में साइड से हमने देखिए थोड़ा सा इसमें छोड़ा हुआ था, क्योंकि हल्का सा कुर्ती जैसा लुक हो जाएगा ये, क्योंकि टॉप कुर्ती थी वो, इसीलिए मतलब शॉर्ट कुर्ती थी इसीलिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुर्ती वाला शेप दे दिया साइड से, एक तरफ से तो बंद है, और ये हमारा इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा टॉप बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम थोड़ी सी डिजाइन डाल देंगे। डिजाइन डालने के लिए आगे के हिस्से से मैंने इस तरीके से बीच सेंटर निकाला, निशान लगाया। निशान लगाने के बाद में जो साइड की बाजू है वहाँ से हमने कपड़ा कट किया, इसमें से स्ट्रिप कट कर लेंगे जितने भी चौड़ी आपको लगानी है। तो देखिए इस तरीके से 3 इंच करीब की चौड़ी मैंने स्ट्रिप कट कर ली। कट करने के बाद में इसको हम देखिए इस तरीके से सिल देंगे, आपस में जॉइंट कर देंगे क्योंकि ये अलग अलग पार्टों में थी, इसीलिए फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में ऊपर से भी हमें इसको एक तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। अब देखिए गला वाला हिस्सा लेना है आपको, यहाँ से बीच सेंटर से आपको इसमें सेंटर से सेंटर पकड़ना है और फ्रिल लगाते हुए आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा टॉप बन के रेडी हो जाएगा। आप इसमें ऊपर से पतली वाली लेस भी लगा सकते हो, या फिर इसमें ऊपर से बटन भी लगा सकते हो, जो भी आप इसमें नया लुक देना चाहो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो देखिए हमारा टॉप बन के हो चुका है रेडी। अब चलिए चौथा आइडिया है हमारा, जो नेकर ही है वही है, क्योंकि एक रोटी कवर बना दिया, एक हमने
रबर बैंड बना दिया, एक टॉप बना दिया, एक हो गया हमारा ये नेकर। तो देखिए इस तरीके से हमारे चार आइडिया बन के रेडी हो जाएंगे। तो जो नेप आता नेकर का उसको हमने पहले सिल दिया, जॉइंट कर लिया। और जो साइड वाले पीस हैं उसको हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है आपस में दोनों को, क्योंकि जैसा कपड़ा था उसी हिसाब से हमने इसको निकाला है। एक ही शर्ट में से नेकर और टी शर्ट बना के रेडी की हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया दोनों साइड से, और ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब जो उनमें आने वाला हिस्सा वहाँ से हमें इसको दोनों तरफ से जॉइंट लगाते हुए सिल देना है। तो ये देखिए ऊपर से भी सिलाई लगा देनी है आपको, और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सिलना है, ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में इसको हमें नीचे से फोल्ड करना है। तो देखिए एक तरफ हमारी इसमें पॉकेट आ जाएगी, जो शर्ट की पॉकेट थी वो वाली। अब इसकी जो नीचे वाली पैर वाला हिस्सा है दोनों पैरों का, उसको हमें फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में जो नीचे का हिस्सा है उसको हमें अटैच कर देना है आपस में सिलते हुए। तो देखिए सिलने के बाद में अब जो हमने ऊपर का जो नेफा लिया है इलास्टिक वाला, अलग से लगा रहे हैं हम उसको, तो वो भी ले लिया है ये। और इसको हमें देखिए इस तरीके से बीच सेंटर से सिलना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से भी सिल सकते हो, या फिर एक एक करके आगे पीछे वाली सिलाई भी लगा सकते हो। तो देखिए ये हमने इस तरीके से ऊपर से जॉइंट किया और कट कर दिया जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था, उसको अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई सीधी लगा देंगे। फिर सीधा करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है। इस तरीके से हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से चार आइडिया बनके रेडी हो जाते हैं। और गाइस कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए इसमें हमने इलास्टिक डाल दी, बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉप और इसका निकर बनके रेडी हो चुका है। अगर आप मार्केट से लेते हो तो बहुत ही महंगे मिलते हैं ये। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।